नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सूडिन कोल्ड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सूडिन कोल्ड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सूडिन कोल्ड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सूडिन कोल्ड टैबलेट का उपयोग कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुखाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, जैसे नाक से पानी बहना, छींक आना, नाक का बंद होना, गले में खराश होना, खांसी होना आदि लक्षण सर्दी जुखाम होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सर्दी जुखाम होने पर सिर दर्द और बुखार भी हो सकता है। सूडिन कोल्ड टैबलेट बुखार और सिर दर्द को भी ठीक करती है। वैसे सूडिन कोल्ड टैबलेट खांसी से भी राहत दिलाती है, लेकिन यदि आपको खांसी फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से आ रही है तो सूडिन कोल्ड टैबलेट इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सूडिन कोल्ड टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सूडिन कोल्ड टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन सूडिन कोल्ड टैबलेट को खाली पेट लेने से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सूडिन कोल्ड टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सूडिन कोल्ड टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन सूडिन कोल्ड टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सूडिन कोल्ड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सूडिन कोल्ड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे सूडिन कोल्ड टैबलेट की वजह से ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सूडिन कोल्ड टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सूडिन कोल्ड टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द, मुंह में सूखापन, शरीर में थकान होना, हल्का सिर घूमने का आभास होना और नींद अधिक आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में सूडिन कोल्ड टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को सूडिन कोल्ड टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सूडिन कोल्ड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सूडिन कोल्ड टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सूडिन कोल्ड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सूडिन कोल्ड टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, लेकिन स्तनपान करा रही महिलाओं को सूडिन कोल्ड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सूडिन कोल्ड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सूडिन कोल्ड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।